हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मानसी ठक्कर और आज हम बात करेंगे कैनन ईओएस R8 के बारे में, जो सिर्फ 1.5 लाख के बजट के अंदर आ जाता है। एज ए वेडिंग प्रोफेशनल हमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि एक बजट फ्रेंडली फुल फ्रेम कैमरा हो और जिसमें हम अफोर्डेबल लेंसेज भी लगा सके, कोई भी सब्जेक्ट हो उस पे बढ़िया ऑटो फोकस ट्रैकिंग कर दे, सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग और हाई क्वालिटी 4K फुटेज होना चाहिए, लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, हैंड हेल्ड शॉट्स में स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, कंटिन्यूस वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त बैटरी खत्म नहीं हो जानी चाहिए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको R8 कैमरा में मिल जाते हैं। EOS R8 एक फुल फ्रेम 24.2 मेगापिक्सल का सिमोस सेंसर है, जिसमें आपको कैनन का लेटेस्ट डिजिक एक्स प्रोसेसर मिलता है। एज अ वेडिंग प्रोफेशनल हमारे शूटिंग आवर्स काफ़ी लंबे होते हैं और इसके लिए बैटरी लाइफ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है। इस कैमरा में आपको मिलती है LPE 17 की बैटरी, जो आपको फुल चार्ज बैटरी पर 2 आवर्स की नॉनस्टॉप फुल HD 30p पर रिकॉर्डिंग करने देता है, और ये मुमकिन हो पाया है कैनन के लेटेस्ट डिजिक एक्स प्रोसेसर के एल्गोरिथम के कारण। सारे वेडिंग वीडियोग्राफर्स के लिए इसमें दिया गया है मूवी डिजिटल IS का ऑप्शन, जिसकी वजह से आप काफ़ी स्टेबल शॉट्स ले सकते हैं, और अगर आप कैनन के IS लेंसेज यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी एनहेंस स्टेबिलाईजेशन आपके वीडियो शॉट्स में मिल जाएगा। इस कैमरा के साथ आप कैनन के STM लेंसेज ले सकते हैं, जैसे कि 16mm, 35mm, 50mm, 85mm, 2450mm, 24-105mm। और अगर आप एक प्रोफेशनल किट बनाना चाहते हैं तो आप कैनन EOS R की बॉडी प्लस इसमें से एक या दो लेंसेज खरीद सकते हैं अंडर बजट ऑफ 2 लाख रुपीस, जिसके वजह से ये काफ़ी बजट फ्रेंडली किट बन जाता है। इस कैमरा में आपको मिलता है 100% AF कवरेज विद AF ट्रैकिंग, जिसके वजह से आपका सब्जेक्ट फ्रेम में कहीं पर भी हो, ये कैमरा उसे ट्रैक कर लेगा और उस पर से फोकस नहीं छोड़ेगा। ये सब के कारण आपकी कंपोजिशन बहुत ही बेहतर हो सकती है। इस कैमरा का वेट सिर्फ 461 ग्राम्स है अप्रॉक्सीमेटली, जिसकी वजह से ये काफ़ी लाइट वेट कैमरा हो जाता है और पकड़ने में भी ये काफ़ी कॉम्पैक्ट बॉडी है। EOS R8 में आप हाई क्वालिटी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो भी अनक्रॉप्ड और 60p पे, और अगर आप चाहे तो आप फुल HD पे 180fps पर सुपर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यही नहीं, आप इस कैमरा में 10 बिट पर 422 C-Log3 रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको डायनामिक रेंज काफ़ी बेहतरीन मिल जाती है और आप पोस्ट प्रोडक्शन में इसके कलर ग्रेडेशन भी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, एंड आप HDR PQ पर भी शूट कर सकते हैं। जब हम लो लाइटिंग सिचुएशन की बात करें तो वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त आप इसमें 25,600 के ISO तक जा सकते हैं और काफ़ी क्लीन फुटेज भी पा सकते हैं, और अगर आप इसमें फोटोग्राफी करते हैं तो आप ISO 1,24,000 पर भी काफ़ी क्लीन फोटोज नॉइस फ्री ले सकते हैं। एज अ वेडिंग फोटोग्राफर हम चाहते हैं कि हमारी कोई भी मोमेंट मिस ना हो, और इसीलिए इस कैमरा में आपको मिलता है 40fps की कंटिन्यूस शूटिंग, और वो भी AF-AE ट्रैकिंग के साथ, जिसकी वजह से आप ये सारे प्रेशियस मोमेंट्स शार्प फोटोज में कैप्चर कर सकते हैं। आखिर में मैं आपको एक बात बता दूं, इस कैमरा के ऊपर आप कैनन के RF, RFS, EF, EFS ये सारे लेंसेज लगा सकते हो, पर EFS और EF लेंसेज के लिए आपको एक माउंट अडैप्टर लगेगा। कैनन EOS R8 एक वेडिंग प्रोफेशनल के लिए ड्रीम कैमरा बन जाता है, वो भी सिर्फ 1.5 लाख बजट के अंदर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप आपकी नज़दीकी कैनन स्टोर पे जाके इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ, मी मानसी ठक्कर साइनिंग ऑफ।